नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक हरियाणी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको जो प्राइस ब्रेकआउट स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूँ, उसे देख के आप हैरान होंगे और आपको ऐसा लगेगा कि ये बात आज तक मैंने नोटिस क्यों नहीं की। तो इसे जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ स्क्रीन को कर देता हूँ जूम। अब यहाँ पे देखिए, तो ये जो पहली कैंडल है 19 दिसंबर की, आपको नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, राइट। प्राइस जब ओपनिंग रेंज को ब्रेकआउट दे के ऊपर निकलता है तब हम बाइंग साइड की ट्रेड लेते हैं, यानी बाई करते हैं। ठीक वैसे ही प्राइस जब ओपनिंग रेंज का ब्रेक डाउन दे के नीचे आता है तब हम सेल साइड में पार्टिसिपेट करते हैं। अब आगे देखते हैं, मैं जो स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूँ उसे ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करना, राइट। अब सबसे पहले हमें यहाँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेट करना है, यानी 5 मिनट रखना है। स्क्रीन को मैं कर देता हूँ जूम। अब यहाँ पे देखिए, तो हमें यह 9:30 AM 9:30 बजे की जो कैंडल है उसका हमें प्राइस बिहेवियर देखना है। आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, राइट। मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ। अब प्राइस जब इस कैंडल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तब हम यहाँ पे बाई साइड का ट्रेड ले सकते हैं, और उसके बाद देखें तो प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर ही गया है अप साइड में, राइट। अगर हम यहाँ पे बाई करके यहाँ पे सेल करते तो अभी हम आसानी से 100 पॉइंट का प्रॉफिट निकाल सकते थे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। आगे एक एग्जाम्पल को देखते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखें तो ये 9:30 बजे की कैंडल है, 9:30 AM की, नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर भी मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ। अगर हम यहाँ पे बाइंग करते तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाता, और इसके बाद हम आगे देखें तो हमें सेल साइड का ट्रेड लेने का एक मौका मिला था, एक एंट्री हम यहाँ पे ले सकते थे। और आगे देखें तो यहाँ पे हमारी परफेक्ट सेल साइड की एंट्री बनती थी, और उसके बाद मार्केट काफ़ी नीचे गया है। और अगर हम यहाँ पे भी एक्सिट कर लेते तो भी आसानी से 50 पॉइंट का प्रॉफिट निकाल सकते थे। और उसके बाद देखें तो मार्केट में काफ़ी शार्प सेलिंग देखने को मिली है, भारी गिरावट आई है, राइट। तो 9:30 बजे की कैंडल जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय राम जी की।